पंजाब के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार पूरे जोबन पे है। हमारे संवाददाता श्याम चंद आजाद के अनुसार नवांशहर हलके से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ललित मोहन बल्लू को जनसाधारण से भारी समर्थन मिल रहा है। श्री बल्लू के चुनाव प्रचार में एक दिव्यांग शीतल भी स्वयंसेवी की भांति उनके समर्थन में जुट गई है। अपने केजरीवाल अपनी आम पार्टी जड़ी बिना वास्ते अपनी सेवा कर रहे हैं। ते मैं चाहना एक केजरीवाल की सरकार आवे ते साढ़े देश की साढ़े शहर की तरक्की हो। जबकि आप मजदूर लोगों मैं ये गल कहनी चाहना कि जदों भी ये मुलाजम इन्हों पेंशन घट दियाँ तो ये मजदूरों ना लैके कहते हैं मुलाजम मजदूर एकता जिंदाबाद। जदों हुण महंगाई बढ़ रही है एक तेल की बोतल 200 रुपए हो रही है तो इन्हों के नाले क्यों नहीं खड़ रहे मजदूरों वोटा लैन। ये हुण प्रचार करते फिरते हैं कि सानू वोटा पाओ असीं आ करांगे असीं ओ करांगे। इन्हां ने कुछ नहीं करना साढ़े केजरीवाल की सरकार लियाओ। कैंडीडेट है वो अपने व्यक्ति तक के कर और पंजाब में भगवंत मान जी का जो चेहरा दिया है आम आदमी पार्टी ने और जो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरी पार्टियों की तरह दूसरी अकाली दल हमेशा ही के तरह ही अपना जो उसको बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म की और जात की राजनीति करते हैं। पंथ के मुद्दे हो गए हम पंथ के लिए वोट मांग रहे हैं। आज पंथ तो खतरा उनसे बढ़ गया है जो हमारे BSP का कैंडिडेट है उससे हमारी टक्कर है जहाँ पे उनका जो मुद्दा है कोई हमें किसी मुद्दे पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हम मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं हम जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम जो हमारे बुजुर्ग हैं जो उसको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए बुढ़ापे में उसके लिए लड़ रहे हैं। हम एक क्रांति की लहर के लिए एक जज्बे के साथ चले हुए हैं। हम किसी कुर्सी के लिए हम किसी लालच के बस में नहीं चले। अच्छा चल रहा है हम गांव-गांव में हर गांव में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। शहर में तो बल्लू प्रधान जी के कारण हमें कंपेन करने की इतनी जरूरत भी नहीं है।